टॉप 10 सीक्रेट मिथ्स इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो यार काफी टाइम बाद मिथ वाली वीडियो आ रही है इंडियन बाइक के अंदर, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज काफी सारे न्यू मिथ्स आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिथ नंबर वन, अगर आप फोन का कलर ग्रे करते हो उसके बाद कैमरा चेंज करके देखोगे तो आपको फोन का कलर व्हाइट दिखेगा। तो यार काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। सो गाइस अभी मेरा फोन का कलर देखो आप, रेड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो RGS टूल में चलते हैं, उसके बाद आपको लिखना होगा फोन कलर और जो भी कलर है उसका नाम लिखना होगा। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर ग्रे, ठीक है। तो राइट जैसे करूंगा देखो फोन का कलर अभी ग्रे हो चुका है। तो भाई ने ये बोला था कि अगर आप कैमरा चेंज करते हो तो फोन का कलर व्हाइट हो जाएगा, देखते हैं। ओ भाई वाकई में फोन का कलर व्हाइट हो चुका है, और अगर मैं नॉर्मल कैमरा करूँ तो ये देखो ग्रे दिख रहा है, लेकिन FPP में भाई साहब ये देखो व्हाइट कलर हो चुका है। और अगर मैं बैक लूँ इसको कैमरा को, ओके अभी देखो गाइस ग्रे दिख रहा है वापस से, रिफ्लेक्शन की वजह से तो नहीं हो रही है। चलो झूठ का झूठ पानी का पानी करने के लिए सबसे पहले चलते हैं RGS टूल में, और यहाँ पर मैं फोन का जो कलर है ना वो व्हाइट डालता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कलर चेंज होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखना है हमें व्हाइट, अब देखते हैं क्या होता है। ओके यहाँ पर कलर तो चेंज हुआ लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, ये ग्रे ही लग रहा है भाई, व्हाइट कलर भी ग्रे लग रहा है मुझे, और नॉर्मल में देखो व्हाइट लग रहा है, ठीक है, पहले वाले कैमरे में। अब यहाँ पर इसको थोड़ा रोटेट करके आगे ले जाते तो ये पूरा व्हाइट हो चुका है। बाकी गाइस एक चीज पता चल गई कि कैमरा चेंज करने पर जो ग्रे कलर है वो व्हाइट जरूर होता है, तो ये वाला मिथ कन्फर्म है। मिथ नंबर टू, अगर आप स्विमिंग पूल में मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन करोगे तो मैजिक होगा। तो सबसे पहले गाइस नॉर्मल जमीन के ऊपर मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं 01000 डाला और देखो यहाँ पर जो फॉर्च्यूनर वाली मॉन्स्टर ट्रक थी वो भाई आसमान में चली गई। चलो गाइस अब यहाँ पर 09000 डालते हैं जिससे कि मॉन्स्टर कॉनिक से आएगी, और ओ भाई दोनों टकरा गए आपस में। तो देख लो यहाँ पर जमीन पे स्पॉन करने पर ये बहुत ऊपर हवा में जाते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर स्पॉन करने से क्या होता है चलो ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पॉन करने वाला हूँ फिर से मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर, जिसके लिए डालना है 01000 और देखते हैं क्या होता है। ओ भाई ये जंप तो करी लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं, क्या बात है भाई। चलो एक काम करते हैं यहाँ पर दूसरी वाली मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन करके देखते हैं फिर क्या होता है। ओके 09000 डायल करा मैंने, ओ भाई ये तो बिल्कुल भी जंप नहीं करी भाई, क्या मैजिक है यार ये भाई, लिटरली में मैजिक हो रहा है। चलो एक काम करते हैं एक और मतलब मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन करते हैं 0300 टार्जन वाली। ओ भाई साहब एक भी मॉन्स्टर ट्रक जंप नहीं कर रही है स्विमिंग पूल के अंदर, भाई मैजिक तो है यार। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर थ्री, JCB के ऊपर स्कॉर्पियो को स्पॉन करोगे फिर देखो मैजिक। तो गाइस JCB का चीट कोड है 6677 और स्कॉर्पियो का चीट कोड है 333। और ओ भाई कहाँ पे लेके जा रही है भाई साहब, ये क्या सीन है। गाइस मैंने कोई मून ग्रेविटी नहीं लगाई है भाई, अभी तो JCB दिख भी नहीं रही है, थोड़ा दूर चल के देखते हैं। भाई ये कहाँ जा रही है भाई, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे हवा में उड़ रही भाई, लॉजिक समझा दो कोई कैसे। यार स्कॉर्पियो तो मतलब कभी जंप करती नहीं है भाई, हवा में भी नहीं उड़ती, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है समझ नहीं आ रही भाई, स्नाइपर से देख नहीं पा रहा भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करके ये हवा में जा रहे है, बहुत ही खतरनाक चीज बताई यार, बहुत ही खतरनाक भाई, है क्या ये सीन। देखते है कितना ऊपर तक जाती है, मैप के बाहर चली जाएगी क्या। और भाई साहब ओ गायब हो गई, अरे यार। तो भाई दूसरी बार देखो मैं मतलब जेट पैक लेके इसके ऊपर अटक चुका हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे धकेल रही, इसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता क्या, मैं शायद मैंने गलत तरीका यूज़ करा होगा, इसके ऊपर खड़ा हो सकता है शायद, लेकिन भाई ये मुझे भी धीरे धीरे ऊपर लेके जा रही, देखो अब नहीं जा रही, नीचे जा रहा हूँ मैं, रुक जा अबे भाई। बाकी यार ये वाले ग्लिच को करने में बहुत ज़्यादा मजा आया, और ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर फोर, अगर आप थार को मंगाकर मून ग्रेविटी लगाओगे तो थार व्हीली करेगी। और भाई ने लिखा कि 80K सब्सक्राइबर होगा Q&A कब करोगे। भाई मैं Q&A में से काफी सारे क्वेश्चन को छांट रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है 400 प्लस चले गए हैं, तो उन सवालों में जो सबसे तगड़े होंगे ना, जो कि मुझे लगेगा हाँ ये सही लग रहा है, तो उनके जवाब मैं दूंगा। तो बस थोड़ा सा वेट और कर लो, वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने थार को स्पॉन कर लिया है और मून ग्रेविटी भी लगा ली है, चलो चेकआउट करते हैं कैसे व्हीली करती है। व्हीली का मतलब ये कि आगे के जो दो टायर वो ऊपर हो जाएंगे, और भाई हो भी गए वाकई में, ये व्हीली कर रही है देखो, अरे यार सामने जाली आ गई। चलो मैं आपको अच्छे से आगे कैमरा करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब ये वाकई में पूरा अच्छी तरीके से व्हीली कर रही है, बट यहाँ पर मून ग्रेविटी लगी है ना, तो यार कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो रही है। ओ भाई उछल गई, अभी इसके आगे के जो दो टायर ऊपर हो जाते हैं तब आप इसको मोड़ ही नहीं सकते, बस सीधी ही चला सकते हो। बाकी हाँ ये वाला मिथ कन्फर्म है। मिथ नंबर फाइव, अगर आप मेगा रैम बजाकर स्काई फॉल लगाओगे तो होगा मैजिक। हाँ गाइस एक चीज मैंने नोटिस करी है, मेगा रैम के ऊपर जब आप हेलीकॉप्टर या फिर जेटपैक स्पॉन करते हो तो भाई वो उड़ते ही नहीं है, तो स्काई फॉल से क्या होता है चलो देखते हैं। 9129 पहले डाल लेते हैं ताकि इन्फाइनाइट हेल्थ हो जाए, उसके बाद 1120 जिससे स्काई फॉल होता है,
और देखते भाई क्या मैजिक होता है। क्या यहाँ पर हमारा मेगा रैंप गायब हो जाएगा? गायब तो नहीं हुआ। क्या हमारा बंदा इसके आर पार चला जाएगा या फिर कुछ और ही हरकत करेगा? नहीं पता भाई। अपन आ चुके हैं मेगा रैंप के ऊपर और आके गिर भी चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी मैजिक वगैरह तो देखने को नहीं मिला ऐसा कुछ। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 6, अपना प्लेयर नाइकी कंपनी के जूते पहनता है। तो भाई कैमरा को तो नीचे मूव कर नहीं सकते, तो प्लेयर को सबसे पहले गिराना पड़ेगा और एक स्क्रीनशॉट लेके देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर का एक राइट सिंबल दिख रहा है जो कि नाइकी कंपनी का सिंबल होता है, फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो स्क्रीनशॉट में चेकआउट करते हैं, अभी जूम करने पर पता चल जाएगा। ओके नहीं गाई जी, ये राइट नहीं है तो कुछ और ही है, प्लस वी लिखा हुआ है जूते के ऊपर। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि भाई साहब नाइकी कंपनी के जूते हैं, लेकिन ये कुछ और ही ब्रांड के लग रहे हैं। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 7, अगर आप नाइट मोड लगा के पुलिस स्टेशन पे जाओगे तो वहां पर लाइट नहीं होगी। तो गाइस लाइट तो वैसे अपने घर में भी नहीं है और अभी मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन पे, यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं लगी है। चलो नाइट मोड करके देखते हैं यहाँ पर कोई लाइट्स जलती है क्या दीवार के अंदर से, जैसे रेलवे स्टेशन पे जलती है। ओके, यहाँ पर तो भाई पूरा वीरान हो चुका है, ये ब्लैक हो गया भाई अंधेरा। और अगर हम सेकंड फ्लोर पे देखें तो वहां पर भी लाइट नहीं जल रही, बट मिरर के अंदर से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना वो बादल का, वो देखो गाइस दिन वाला रिफ्लेक्शन आ रहा है। भाई यहाँ पर ग्लास लगे हुए हैं, तभी मैं सोचू कि मैं बिल्डिंग में से बाहर क्यों नहीं निकल पाता। जब इसके अंदर हम सेकंड फ्लोर में चले जाते हैं तब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। भाई यहाँ पे तो भाई मिरर लगे हुए हैं और भाई अजीब बात यह कि दिन के टाइम में ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखो भाई अपना फेस क्यों नहीं दिख रहा यार, अपना फेस भी दिखना चाहिए। यहाँ पर देखो दिन वाले बादल जरूर दिख रहे हैं, बादलों का रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन अपना फेस यहाँ पे नहीं दिख रहा यार, बहुत अजीब है ये। अगर अपना फेस भी दिखता तो और भी ज्यादा मजा आता। अब यहाँ पर एक बार मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ क्या दिखता है। ये देखो भाई मिरर ही गायब हो गए, तभी यहाँ से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं यार। ये देखो अंदर से दिखते ही नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाता हूँ, ये देखो भाई अगर मैं कैमरा को अंदर से बाहर लेके जा रहा हूँ तो यार ये व्यू बहुत शानदार आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है स्क्रीनशॉट लगा के वॉलपेपर बना लूँ। ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है ये। बाकी यहाँ पुलिस स्टेशन में लाइट नहीं होती, ये मिथ कन्फर्म है। मिथ नंबर 8, अगर आप पुल के साइड में जाकर डॉग को स्पॉन करोगे तो डॉग तो नजर नहीं आएगा लेकिन आपको साउंड आएगा। तो पुल के साइड वाली खाली जगह तो यही हो सकती है। चलो यहाँ पर डॉग को स्पॉन करते हैं। डॉग का चीट कोड है 600 और डॉग कहाँ? ओ ये रहा देखो गाइज जमीन के अंदर चला गया है भाई, कान दिख रहे हैं ओनली इसके। और अगर मैं इसको AK-47 से मार रहा हूँ तो भाई इसको कुछ भी नहीं हो रहा यार, ये जमीन के अंदर चला गया तभी तो साउंड आएगा। और ये अटका भी नहीं है भाई, देखो ये मेरा पीछा भी करता है। अभी यहाँ पर रुक के देखते कहाँ गया वो। अबे ये रहा गाइस, देखो ये हमारा पीछा भी करता है यार। अब इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रॉकेट लॉन्चर। और मर गया भाई, मर गया। और गाइस अगर मैं यहाँ से पूल के अंदर जाऊँ ना तो ये देखो डॉग मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाते हैं भाई, और पूल के अंदर ये दिखते हैं, जमीन में तो दिखते ही नहीं है भाई। तो ये राज है इसका। बाकी हाँ ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 9, अगर आप साइकिल को स्पॉन करो और NPC की कार के साथ बैठो तो साइकिल सुपर साइकिल बन जाएगी। तो गाइस ये वाली चीज मैंने कभी ट्राई नहीं करी है। चलो यहाँ पर बैठ के देखते हैं NPC प्लस साइकिल पर, देखते हैं क्या होता है। ओके भाई कार का दरवाजा भी खुल चुका है और NPC बाहर, और मैं अजीब सी पोजिशन में आ चुका हूँ और मैं साइकिल और कार दोनों को साथ में भी चला पा रहा हूँ। और भाई ने बोला था कि अपनी साइकिल सुपर साइकिल बन जाएगी, मतलब बहुत ही फास्ट स्पीड में जाएगी, और ये जा भी रही है भाई। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा तेज भाई, ये बहुत तेज नहीं चल रही है? तो यार ऐसे पता नहीं चलेगा, एक काम करते हैं गाइस नॉर्मल साइकिल चला के देखते हैं। ओके गाइस यहाँ पर मैंने कैरेक्टर को वापस से नॉर्मल कर लिया है और अभी मैं देखो फुल स्पीड में दौड़ाने वाला हूँ साइकिल को। भाई बिल्कुल सेम स्पीड है यार, बिल्कुल सेम स्पीड है, कोई भी चेंजेस मुझे नहीं लग रहे है। तो भाई ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 10, और ये वाला मिथ मुझे सबसे ज्यादा मस्त लगा है, अगर आप स्टिकी बॉम्ब को कहीं पर भी प्लेस करके टैंक स्पॉन करके उसके नोजल को नीचे करने वाला बटन प्रेस करोगे तो मैजिक होगा। तो गाइस देखो मैंने हर जगह पर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब को प्लेस कर दिया है, खासकर इस दीवार पर, जमीन पर भी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं। चलो अब टैंक को स्पॉन करते हैं, और हाँ अपनी नजर यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब पर ही रहनी चाहिए तभी मैजिक होगा। तो यहाँ पर अपना टैंक आ चुका है, ठीक है अब टैंक के अंदर बैठ जाते हैं। अब इसकी जो नोजल है उसको नीचे करने वाला बटन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, जैसे ही मैं उसको प्रेस करूंगा देखना गाइस क्या मैजिक होता। भाई यार ये कहां पर छुपा था सीक्रेट? भाई देखो नोजल को नीचे करने वाला बटन प्रेस किया मैंने और सारे स्टिकी बॉम्ब फट गए यार, ये काफी ज्यादा यूनिक था। अब एक काम करते हैं गाइस, मैं टैंक के ऊपर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब लगाता हूँ। तो गाइस मैंने पूरा टैंक स्टिकी बॉम्ब से भर दिया, देखो चारों तरफ आपको स्टिकी बॉम्ब दिख रहे होंगे। चलो गाइस अब यहाँ पर फिर से नोजल वाला, भाई टैंक भी फट चुका है,
लेकिन मैं नहीं फटा बिकॉज इनफाइनाइट हेल्थ मैंने लगाई थी। लेकिन मैं टैंक को तो नहीं चला सकता, लेकिन हाँ इसको घुमा जरूर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं रॉकेट फायर भी कर सकता हूँ। ये काफी सही चीज है यार, बहुत ही खतरनाक मिथ निकला ये तो। एंड मिथ कन्फर्म। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कितने मिथ्स पता थे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड लव यू ऑल।